हेट वेल मेरे डैड ने प्रॉपर्टी की पावर बटोरी सोनल को दी थी, तो सोनल को मैंने कहा कि बंगलो बेच देते हैं, आई रियली नीड द मनी, माय मनी. तो पता है क्या बोलती है वो? शी कॉल्स मी ब्लडी इनसेंसिटिव. माया, इस बंगलो में मॉम एंड डैड की कितनी यादें हैं. सो व्हाट डू आई केयर? इनसेंसिटिव तो वो दोनों थे. मॉम के जाने के बाद कितनी अकेली हो गई थी मैं, पता है? किसी को मेरी परवाह ही नहीं थी. डैड अपने काम में बिजी, सोनल अपनी लाइफ में बिजी, और मैंने क्या कुछ नहीं किया उनकी अटेंशन पाने के लिए. और उन्होंने क्या किया? मुझे बोर्डिंग में डाल दिया. 8 साल की थी. चलो, मिलना तो दूर की बात है. हर शाम मैं फ़ोन के पास जाके बैठ जाती थी कि शायद आज कॉल आएगा, मगर फिर एक दिन डैड मुझे बोलते हैं कि वो छुट्टियों से मुझे 2-3 दिन लेट पिकअप करने हैं. आई डिसाइडेड इट वाज इनफ. फिर क्या, फिर मैं कभी घर गई नहीं. छुट्टियों में अपने दोस्तों के यहाँ और स्कूल के बाद इवेंचुअली कॉलेज नंदी. एनीवे, घर चलते हैं. मैं सोच रही हूँ आज उसको सब बता ही देते हैं. तरंग कह रही हूँ बेबी, उसे भी तो पता चले कैसा लगता है.